19 नवंबर 2006 को आरसीए की बैठक में प्रॉक्सी सदस्यों को भाग लेने से रोकने और मारपीट करने के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जयपुर की एडीजे 16 ने परिवादी अनिल सिंह शेखावत की अपील स्वीकारते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। निचली कोर्ट ने परिवादी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। परिवादी के एडवोकेट एके जैन ने अपील कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने 9 दिसंबर 2006 को आरोपी ललित मोदी, अमन पठान, सुजीत कुमार और कुलदीप श्रीवास्तव के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 323, 341, 342, 352 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लेकर के तलब किया था। प्रसंज्ञान के आदेश के खिलाफ की गई अपील भी एडीजे 10 कोर्ट से 28 जनवरी 2017 को खारिज हो गई थी। एडवोकेट आदित्य जैन ने मुलजिम ललित मोदी के जमानत मुचलके जब्त करके गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अदालत मोदी को भगोड़ा घोषित कर चुकी है और उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में उसके खिलाफ हाजिरी या फिर माफी की याचिका स्वीकार करने अपराधियों को सहयोग करना है।